नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के टर्बो वेरिएंट का एक माइलेज टेस्ट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, टर्बो वेरिएंट के है और अभी हमारी गाड़ी में जो ऑलरेडी पहले से फ्यूल है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। एक सेल कम है बस, पहले से टैंक फुल है और अभी तक ये टोटल गाड़ी जो चली है ये चली है 669 किलोमीटर। तो पहले इस गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं ऊपर तक और उसके बाद दोबारा से इसको चेक करवाएंगे कि कितना क्या माइलेज टेस्ट निकल के आता है। भैया इसको फुल करो ऊपर तक। चलो अभी ऑटो कट लग चुका है और ऑटो कट लगने पे इसमें अभी 9 लीटर पेट्रोल आया है। इसको ऊपर तक भरो। ध्यान से ऑटोकट के टेक्निक का हम यूज नहीं करेंगे, टैंक बिल्कुल ऊपर तक फुल करवाएंगे और दोबारा सेम नोजल पर आके सेम पेट्रोल पंप पे कुछ किलोमीटर चलाने के बाद जब माइलेज टेस्ट इस गाड़ी का चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंगल कट में यह वीडियो बनाऊंगा मैं यहाँ पे फिलहाल, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि ऑटोकट के बाद भी काफी सारा पेट्रोल गाड़ी के अंदर हमेशा आता है। आ गया, बस 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 बस, रोको रोको रोको, हाथ हटाओ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर तक इसमें यहाँ पे फ्यूल आ चुका है और मैं एक बार आपको मीटर की रीडिंग भी दिखा देता हूँ। कंप्लीट जो अभी इसके अंदर फ्यूल आया है वो आया 15.84 लीटर, 1,335 रुपीज का। इसकी स्लिप निकाल दो, टैंक क्लोज कर दो इसका। ध्यान से देख लीजिए आप दोस्तों, ये टर्बो वेरिएंट है और अभी मैं आपको इसका मीटर जो है वो रिसेट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं टोटल ये गाड़ी अभी तक 669 किलोमीटर चल चुकी है। अभी हम इसकी जो ट्रिप ए है उसको रिसेट करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रिप ए है ये और हम इसको अभी रिसेट करेंगे। डबल 669 किलोमीटर टोटल गाड़ी चल चुकी है पेट्रोल फुल होने के बाद। आप देख सकते हैं टाइम भी इसमें आ रहा है 2:42 का और फिलहाल मैं इसको रिसेट करता हूं। तो अभी हमारी जो ट्रिप है ये रिसेट हो चुकी है और 669 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अब लेके चलते हैं इसको और चेक करते हैं इसका माइलेज टेस्ट। तो फ्रेंड्स लेके चलते हैं अपने मैग्नाइट टर्बो वेरिएंट को, आपने देख ही लिया है। फिलहाल पेट्रोल पंप से हम चल दिए हैं। स्लिप भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, जो स्लिप ये है
1335 रुपए का पेट्रोल आया था 15.84 लीटर। टाइम भी आप इस पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं 10.5 किलोमीटर और माइलेज एमआईडी में लगातार शो कर रही है 17.5 किलोमीटर पर लीटर का। सिटी के अंदर ही हम ड्राइव कर रहे हैं टोटल, तो आप कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर उनके कोई भी डाउट है निसान मैग्नाइट को लेकर, चाहे टर्बो चाहे नॉन टर्बो, वो सब जाके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई दूंगा अगर आपकी कोई जेन्युइन कमेंट हो गई या कोई जेन्युइन आपकी क्वेरी होगी तो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी तक हमने गाड़ी को ड्राइव कर लिया है 24.7 किलोमीटर और ओवरऑल भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ 694 किलोमीटर। और ट्रैफिक में है अभी हम, और माइलेज ये क्लेम कर रही है एमआईडी के अंदर 16 किलोमीटर पर लीटर। जो भाई ईयरफोन का यूज कर रहे होंगे उनको बिल्कुल क्लियर मालूम हो रहा होगा कि केबिन के अंदर क्या कुछ नॉइस है या नहीं है। फिलहाल मुझे कुछ भी ऐसी नॉइस फील नहीं हो रही है गाड़ी के अंदर। तो अभी कंटिन्यू करते हैं और चलाते हैं इस गाड़ी को कुछ और किलोमीटर, उसके बाद माइलेज टेस्ट इसका चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लिया है लगभग 35 किलोमीटर, माइलेज कंटिन्यू एमआईडी में शो कर रही है 16.5 किलोमीटर पर लीटर। ओवरऑल भी आप देख सकते हैं 704 किलोमीटर यहाँ पे हो चुका है। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे, अभी जो रश है वो बहुत कम है, अभी टॉप गियर में गाड़ी चल रही थी थोड़ी देर, तो देखते हैं क्या कुछ माइलेज निकल के आता है। फ्रेंड्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं गाड़ी से 40.4 किलोमीटर, ओवरऑल भी आप देख सकते हैं 710 किलोमीटर हो चुके हैं। और एमआईडी में जो माइलेज फिलहाल शो कर रही है गाड़ी वो कर रही है 16.8 किलोमीटर पर लीटर। तो अभी पिछले कुछ किलोमीटर से जैसे मैं लगातार इस पे फोकस कर रहा हूँ, एमआईडी में जो माइलेज है कंटिन्यूसली वो 16 के इर्द गिर्द ही है, ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है। तो अब देखते हैं कि कितनी एक्यूरेट ये है जो एमआईडी में शो कर रहा है, शायद मे बी पॉसिबल उससे एक या दो का कम ही दिखाए जो एक्चुअल माइलेज आएगा, बट देखते हैं। एसी लगातार ऑन है गाड़ी का और अभी आप टाइम भी देख सकते हैं 4:08 हो चुके हैं फिलहाल, और लगातार गाड़ी सिटी में ही चल रही है आज। खैर या तो हम अपना बैड लक बोले या कुछ भी, कहीं भी हमको क्लीन रोड नहीं मिली है, लगातार कंटिन्यूसली हमको रश देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हम भी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और अभी जो हमारी गाड़ी कंप्लीट चल चुकी है, एक बार मैं आपको वो ट्रिप ए में दिखाता हूँ कि कितनी हमने कवर करी है डिस्टेंस। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ 50.2 किलोमीटर हमने टोटल ट्रेवल करा है, ओवरऑल भी हमने 720 किलोमीटर लिखा आ रहा है। जो माइलेज क्लेम कर रही है गाड़ी एमआईडी में वो 16.7 किलोमीटर पर लीटर। टैंक खोलो जी, अभी खोलते हैं टैंक। टैंक ओपन कर देना। इसको जीरो करके ना पहले ऑटो कट तक करना और फिर पूरा ऊपर तक भरना है। जी ऑटो कट हो गया आधा लीटर पे। चलो ऐसे फिल करो। फ्रेंड्स देखते हैं कितना लीटर पेट्रोल इसके अंदर आता है और फिर कैलकुलेट करेंगे कि क्या माइलेज गाड़ी का निकल के आ रहा है। टर्बो वेरिएंट ये है, हो गया शायद। बस 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 बस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बाहर भी आ गया है पेट्रोल काफी सारा। तो अभी जो पेट्रोल गाड़ी के अंदर आया है वो आया है 2.78 लीटर 234 रुपए का।
एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 50.2 किलोमीटर हमने गाड़ी को ड्राइव किया है और जो पेट्रोल गाड़ी के अंदर आया है वो आया है 2.78। तो फ्रेंड्स जो माइलेज निकल के आया है वो आया है 18.05, जो कि काफी अच्छा माइलेज एक है। जो MID में क्लेम कर रही थी गाड़ी वो 16.7 कर रही थी अभी लास्ट में, उससे ज्यादा माइलेज आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिया, 50.2 किलोमीटर चलाई है, 2.78 लीटर पेट्रोल गाड़ी के अंदर आया है। तो फिलहाल ये वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जो दोनों स्लिप हैं, दोनों स्लिप एक बार भी आपको मैं दिखा देता हूं। सेम पेट्रोल पंप पे हमने भरवाया है, जो पहली स्लिप थी आप वो देख सकते हैं, इसमें जो टाइम था वो था 2:39 का, और अभी हम आए हैं 4:28 पे। बीच में हम एक बार रुके भी थे, और आप एक बार स्लिप भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को एंड करता हूं, और वीडियो एंड करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। और अगर आप और भी कोई वीडियो जाके देखना चाहते हैं निसान मैग्नाइट के नॉन टर्बो वेरिएंट का, माइलेज टेस्ट चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, चार बंदों बिठाने के बाद क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी की, वो सब भी यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों, एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।